दोस्तों, आपने फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में तो जरूर सुना होगा, या हो सकता है आप उसको इस्तेमाल भी करते हो। ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। अब बात ये आती है कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो फिल्मोरा है, इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो हमको पता नहीं होता है, और जाने अनजाने में हम अपनी काम को जो है डबल मेहनत लग जाता है वो करने में। तो आज मैं आपको जो है 5 ऐसे हिडन फीचर्स बताऊंगा जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके सब जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आप ये सीखेंगे कि कोई भी वीडियो मैं एडिट करने बैठता हूँ, तो मान लो 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, मैं ऑफिस से आता हूँ या किसी काम से आता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कैसे जो है 2 घंटे की वीडियो में जो रोज़ थोड़े थोड़े करके मैं जो है क्रिएट करूँ, या इसको मैं प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करूँ। दूसरी चीज़ जो आप जो सीखेंगे वो आप ये सीखेंगे, मान लो आपका कंप्यूटर जो है उतना कॉन्फ़िगरेशन, उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, या आपका रैम कम है, या आपका प्रोसेसर कमज़ोर है, जिससे अगर कोई हाई क्वालिटी वीडियोज़ हम अपने पीसी में, लैपटॉप में डालते हैं तो अटक अटक के चलती है। तो इसमें मैं आपको ऐसा सेटिंग्स बताऊंगा कि आपको जो है सेटिंग्स को लो करके, आपके चाहे फुल एचडी की वीडियो हो, चाहे जितनी भी बड़ी वीडियो हो, आप उस सेटिंग्स को लो करके आप इजीली आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अपनी वीडियो को जो है बेस्ट किस सेटिंग से हम इसको एक्सपोर्ट करें। मान लो मैं किस कैमरा से मैं वीडियो शूट करता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग कौन सी सेटिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को रेंडर करने के लिए, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि ऑडियो की फ्रेमिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, और एड मेकर को कैसे यूज़ करके हम अपनी जो है प्रोजेक्ट को, हम या जो वीडियो रेंडर करते हैं, वीडियो जो बनाते हैं, उसको आधे से ज़्यादा काम को हम किस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुका हूँ, और मैं ये फिल्मोरा खोल लेता हूँ। देखो ये फिल्मोरा खुल गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इसमें काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट में जाता हूँ, और मैं कोई भी एक जो है फोल्डर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर दिया। अब मान लो जैसे इस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, मान लो जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने काम किया, और काम करके उसको मैं इसमें काट के थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मान लो जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने काम किया, अब मुझे इसको मुझे सेव करना है। मान लो जैसे मैंने काम कर लिया, अब इसको सेव करना है, कल मुझे वापस फिर काम करना है, और यहीं से काम स्टार्ट होगा। तो क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी नाम है आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है टेस्ट मैंने दे दिया नाम, टेस्ट 1 2 3 मैंने नाम दे दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरा जो सेव हो गया, अब क्या करूँगा, देखो सेव करने के बाद ये वाले फोल्डर देखो जो हमने बनाया था टेस्ट 1 2 3, ये फोल्डर हो गया। अब मैं जैसे ही इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो वैसे ही जो है वापस ऐसा ही खुल जाएगा, यानी कल जब भी आप बैठोगे तो आपको यहीं से आपको वापस फिर से एडिटिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मान लो जैसे मैंने फिर से यहाँ पर एडिटिंग मैंने किया, मान लो कुछ मैंने कट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है ना, कुछ एडिटिंग किया। अब एडिटिंग करने के बाद अब वापस मुझे जो है इसको क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे फाइल में जाना है, और फाइल में जाके देखो सेव प्रोजेक्ट इसमें मुझे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं सेव प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा तो ये जो फोल्डर मैंने बनाया था, इसी फोल्डर में जाके ये जो आगे का मैंने चेंजेस जो किया है वो सेव हो जाएगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं कुछ और जो चेंजेस में करूँ, मान लो जैसे मैं और एक लेता हूँ और उसको मैं कट करके मैं छोटा कर देता हूँ, मान लो जैसे और भी मैं जो चेंजेस करूँ वो मेरा जो है उस फोल्डर में नहीं जाके, यानी कि इस फोल्डर में सेव नहीं होगी और एक दूसरे नए फोल्डर में सेव हो जाए, ठीक है, किसी भी रीज़न के लिए आप बना सकते हो। तो क्या करना है, आपको एक ही फोल्डर में सेव करना है, तो वापस आप जो है फाइल में जाओ और वापस इसको सेव प्रोजेक्ट में क्लिक कर दो, तो आपने जो फोल्डर बनाया था, ठीक है, ये वाला, यहीं पे जाके ये प्रोजेक्ट जो है वापस सेव हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे नाम से मैं सेव करूं, या मैं एक अलग फोल्डर में इसको मैं सेव करूं, या कुछ चेंजेस कर दिए हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चेंजेस फिर वापस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या वापस ऐसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो मैं इसको रेफरेंस के लिए रखना चाहता हूं, तो क्या कर सकते हो, यहां पे फाइल में सेव करो, और इस टाइम आपको सेव प्रोजेक्ट में क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे में सेव प्रोजेक्ट एज में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है जो भी नाम आपको दे देना है, मान लो जो ये टेस्ट मैंने 999 मैंने ऐसे नाम दे दिया, और उसको मैंने सेव कर दिया। अब जो मैं सेव करूँगा तो अब देखो अब मेरे पास यहाँ पे 2 फोल्डर हो जाएगा। पहले जो मैंने एक ही फोल्डर में जो चेंजेस किया वो दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो ये फोल्डर सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 फोल्डर बन गया है, पहले जो हमने एक में किया था और फिर वापस चेंज किया था तो इसमें किया था। यानी कि बेसिक मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूँ कि मान लो आप एक ही फोल्डर में रोज आप चेंजेस करना चाहते हो और रोज एडिटिंग करना चाहते हो, डायरेक्ट फाइल में जाके सेव में क्लिक करो, और आप चाहते हो कि आप जो चेंजेस जो किए हैं आप दूसरे नए फोल्डर में सेव करना चाहते हो किसी और रीजन की वजह से, किसी और नाम से, तो फाइल में जाके आपको जो है सेव प्रोजेक्ट एज करना है,
तो फिर आपका जो है किसी और नाम से सेव हो जाएगा, फिर वहाँ सेव करके कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे ही रोज थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले आप खोलोगे वापस वहीं से वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपकी जो है पीसी की रैम कम है, या फिर आपका जो ग्राफिक कार्ड आपके पीसी में नहीं लगा है, या फिर आपका प्रोसेसर बहुत ही स्लो है, और आप जो भी वीडियो आप रेंडर किए हो या जो भी वीडियो आपने यहाँ पे लिया है वो 4K की है या फुल HD की है, जो प्ले होने में बहुत ही अटक अटक के चल रही है, यानी बहुत ही परेशानी हो रही है, तब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। मान लो जैसे थोड़ा सा प्ले करके मैं चला रहा हूँ, मान लो जैसे ये गाना है, मान लो जैसे अटक अटक के चल रहा है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन जो है खाली वाला ऑप्शन, इसमें राइट क्लिक करना है और प्ले बैक क्वालिटी में जाके आपको जो है यहाँ पे देखो 1/2 है, यानी आपका जो भी वीडियो रहेगा उसका हाफ क्वालिटी हो जाएगा 1/4, यानी आपकी वीडियो की फोर्थ क्वालिटी, यानी 4 बार उसको कम करोगे तो वो क्वालिटी 1/8, 1/16 ऐसे की क्वालिटी जो है कम होती जाएगी। लेकिन आप जो है इसको मेन जो एक्सपोर्ट करोगे, मेन जो वीडियो जो रेंडर करोगे उसमें आपको क्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी क्या है वीडियो रेंडरिंग पूरी जो है वीडियो एडिटिंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। तो मैं प्ले बैक करके इसमें 1/4 करूंगा तो देखो वीडियो की क्वालिटी जो है हल्की सी जो है कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आराम से जो है आप एडिटिंग करोगे, कोई आपका लैग नहीं करेगा, कोई आपका हैंग नहीं करेगा, अटकेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है लो पीसी का कॉन्फ़िगरेशन होने से आप एडिटिंग करोगे लंबी फाइल को तो ये बार बार ये बंद हो जाएगा, या फिर ये ग्राफ आने में टाइम लगेगा, या फिर मुंह का लिपसिंग अलग हो जाएगा, वॉइस अलग हो जाएगा, यानी बहुत परेशानी होती है। तो जब भी हो तो राइट क्लिक करके आपको प्ले बैक क्वालिटी में जाके आप जो है क्वालिटी सेटिंग को लो कर दो, और लो करने के बाद अब जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद जो सेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी सेटिंग का आपका जो है वीडियो आपका फाइल जो है एक्सपोर्ट होगा, यानी कि आपकी वीडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं कि कस्टम टाइटल प्रीसेट आप कैसे सेट करेंगे। देखिए कस्टम टाइटल प्रीसेट का मतलब होता है कि बार बार आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत ना पड़ेगा, और एक बार आपने सेव करके वापस ला के आप जो है कर सकते हो। मान लो जैसे यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो टाइटल में मैं गया और यहाँ पे मैं जो है कुछ चीज में ले लेता हूँ। मान लो जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे लिया है, मान लो ये कुछ टाइटल है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो जैसा आपने देखा हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, दोस्तों अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मान लो जैसे ये वाली है, अब ये जो है इसको जो है मुझे जो है इसको प्रीसेट मुझे ऐड करना है, यानी कि बार बार मुझे देखो आप सेम वीडियो में करोगे तो क्या है आप डायरेक्ट इसको जो है कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पे पेस्ट करोगे तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई मैं अगले दिन या 2 दिन के बाद मैं नया फिर से फोल्डर खोलूंगा तब क्या मुझे फिर से वापस ये लिखूंगा, तब नहीं लिखूंगा, तब क्या करना पड़ेगा, तब हमारा प्रीसेट काम आएगा, जो हमारा काम चुटकी में हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है देखो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, अब जो भी आपने लिखा है अब यहाँ पे देखो सेट एज प्रीसेट में क्लिक करोगे, तो जैसे सेट एज प्रीसेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नाम देने के लिए बोलेगा, ठीक है मैंने अपना नाम लिख दिया, इस नाम से मैंने फोल्डर बनाया और उसको मैंने सेव कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब मान लो जैसे मैं कोई नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, ठीक है नया प्रोजेक्ट में काम करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नया प्रोजेक्ट में मैं 2 दिन बाद मैंने फिर से खोला और फिर से मैंने फाइल लिया, अब क्या करूंगा मुझे वापस जाके वहाँ वो लिखने का जरूरत नहीं है, वापस ये देखो टाइटल में मैं जाऊंगा और यहाँ पे देखो कस्टम में वो सेव हो जाता है, कस्टम में जाऊंगा तो ये देखो मेरा नाम नरेश है, ये मैंने सेव किया था। अब वापस मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको ड्रैग करके मुझे यहाँ पे ले आना है, ठीक है जैसे मैं ड्रैग करके ले आऊंगा तो देखो जो हमने ये सेव किया था ये वापस यहाँ पर आ गया। अब चाहो तो मैं इसको मैं डबल क्लिक करके इसके आगे मैं चाहूँ तो मैं कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, आराम से मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो इसको मैंने जो है चेंजेस भी कर दिए और मैंने ओके कर दिया। तो इस तरह से यानी बहुत सारे प्रीसेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, यानी कि बार बार आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जिस नए दिन में काम करोगे आपने जो भी बनाया बस यहाँ से कस्टम में जाओ वहाँ से उठा के आप ये कर लो, तो इससे आपका जो है टाइम जो है बहुत बचेगा और आपको बहुत जल्द आप जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग आपकी वीडियो क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसके लिए देखो मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, या आपको जो है मीडिया में जाता हूँ और मान लो कोई एक फाइल में फोल्डर ले लेता हूँ, जैसे डी ड्राइव में गया यहाँ पे, मान लो जैसे ये वाला मैंने लिया, अब ये वाला मुझे इसमें मुझे एडिटिंग करना है तो क्या करूँगा देखो मुझे इसमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ पे डिटेल में गया, और डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे देखो बिट रेट देखना है, टोटल बिट रेट। तो यहाँ पे देखो टोटल बिट रेट यहाँ पे जो है यानी कि मैं जिस कैमरा से मैंने वीडियो शूट किया है और उस वीडियो शूट को मैं जो है यहाँ पे एडिटिंग करूंगा, उस वीडियो फुटेज को यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर डिटेल में देखना है, टोटल बिट रेट कितना है 20,500 यानी 20,000 के आसपास है। अब मुझे क्या करना है, मान लो जैसे ये मैंने वीडियो मैंने लिया, अब मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, अब मैंने इसमें काम किया, ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सामने ले आता हूँ, इसमें मैंने काम किया, तब मैंने एडिटिंग वेडिटिंग मान लो मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट में जाता हूँ,
अब यहाँ पे मुझे सेट क्या करना है, देखो जो नाम देना है नाम दे सकोगे, और फिर यहाँ पे जिस जहाँ पे सेव करना है यहाँ पे फोल्डर अपना सिलेक्ट करो जहाँ पे सेव करना है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको जो है बेस्ट में क्लिक करो, यहाँ पे H.264 हमेशा सेलेक्ट करना पड़ता है, ये बेस्ट होता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अपलोड करने के लिए। रेजुलेशन आपको जो है फुल HD आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो 192:80। फ्रेम रेट आपका जो है 25:30 आप सिलेक्ट कर सकते हो। और बिट रेट, अब आती है बिट रेट, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बिट रेट बढ़ा दूंगा तो मेरी वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो वीडियो क्वालिटी कभी नहीं बढ़ती है, आप सोचोगे मैं बढ़ा दूंगा तो मेरी वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होगी। बस आपका अगर 1 GB का फाइल होगा तो 4 GB हो जाएगा, 4 GB का फाइल होगा तो 5 GB हो जाएगा। इसमें आपका वीडियो जो है रेंडर करने में एक्सपोर्ट करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और प्लस यूट्यूब में अपलोड करोगे तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी आपका डेटा इंटरनेट भी ज़्यादा खर्च होगा। तो जैसे कि मेरा वो जो वीडियो फुटेज था मैंने लिया वो 20,000 बिट रेट का था, तो अब मुझे यहाँ पे बिट रेट जो है 20,000 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बेस्ट ये सेटिंग रहेगा, यानी इसके ऊपर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो क्वालिटी में जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा स्पेस बढ़ जाएगा जो मेरे जो है मेरे लिए परेशानी का ही जो है बात रहेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने ट्रिक बताया पूरे यूट्यूब में आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताया होगा, सबने और सब बताया होगा, लेकिन कैसी आपकी वीडियो को देख के करना है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब ऑडियो में जाते हैं। ऑडियो में आपको जो है AAC सेलेक्ट करना है, यहाँ पे चैनल में 5.1 सेलेक्ट कर लो, सैम्पल रेट जो 48 जितना हाई रहेगा, बिट रेट भी है 320 जितना रहेगा। अब यहाँ पे ओके कर दो। अब ओके करके जैसे एक्सपोर्ट करोगे आपको जो भी आपने जो बेस्ट सेटिंग है इसमें आपका जो है इजिली एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए सीख लेते हैं कि ऑडियो की फ्रेमिंग और एड मेकर क्या होता है, ठीक है। बहुत ये बहुत काम की चीज़ है, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑडियो की फ्रेमिंग के लिए देखो आपको डबल क्लिक करके ऑडियो में जाना है, और ये देखो ये गोल्ड कलर का निशान देख रहे हो, गोल्ड गोल्ड कलर का, यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये निशान आ जाएगा, यहाँ पर है। वापस मैं फटाफट की फ्रेमिंग करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। चलो अब मैंने यहाँ पर जो है देखो एक ही साउंड आ रहा है, अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब मैंने इसको सॉरी अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ, ऐसे बीच में ले आया हूँ, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको प्ले करके आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। अब देखो मैं प्ले करके सुनाता हूँ आपको, आपने देखा कि जैसे यहाँ पे जो था साउंड बहुत ज़्यादा था, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर ऐसे ज़्यादा हो गया, यानी इस तरह से जो है आप जो कोई भी इजीली आप जो है ऑडियो को में एडिटिंग कर सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कि एड मेकर क्या होता है। जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बहुत बार हमको इफेक्ट लगाना होता है, कहीं कहीं हमको टाइटल लिखना होता है, कोई याद नहीं रहता है, तो क्या करना है यहाँ पे क्लिक करो और एड मेकर है इसमें क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे ना तो भी निशान बनते जाएगा, जहाँ जहाँ आपको जो है कुछ जरूरत पड़ता है कि यहाँ पे मुझे कट लगाना है या कुछ एडिटिंग करनी है यहाँ पे निशान लगा दो। तो उससे क्या होगा कि जब आप जो है स्टार्टिंग में जब करोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे लिखना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, वापस जो भी टाइटल ऐड ट्रांजिशन जो भी ऐड करना है ऐड कर लो, वापस यहाँ पे क्लिक करो जो भी ऐड करना है ऐड कर लो, यानी कि आपका जो है घंटों का काम जो है आपका ये मिनटों में हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी फिल्मोरा की कुछ फीचर्स जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के